सीन ये हुआ है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का जो बैचलर्स का क्राइटेरिया था वो उठकर फिफ्टी नाइन तक चला गया विच इज़ बिट हाई फैसलाबाद सेंटर के अंदर टेस्ट थी है उनके नाइनटी आउट ऑफ नाइन्टी भी आई है स्पीकिंग के अंदर एज फॉर माई पर्सनल रिव्यू आई थिंक इट्स इट्स अ गुड सेंटर इफ़ यू बिलोंग टू फैसलाबाद इट्स ईजी कन्वीनियंट आप उधर जाकर दे सकते हो एक सेंटर जो है वो सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है तभी वो सेंटर पर सो इफ यू आर गोइंग फॉर यूर बैचलर्स इन द यू के इट इज़ मैंडेट्री दट यू शुड अप्लाई फॉर पी टी एकेडेमिक

सो so, uh, क्योंकि बार बार चेंजेस आ रही हैं पीटी के रिक्वायरमेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने अपना क्राइटेरिया ज़्यादा कट दिया है आफ्टर यू के वी ऑर्डर तो सीन ये हुआ है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का जो बैचलर्स का क्राइटेरिया था वो उठ कर फिफ्टी नाइन तक चला गया है विच इज़ बिट हाई आई वुड से पहले जो था वो फिफ्टी फाइव तक वो वेरी गुड डिसेंट स्कोर फिफ्टी नो लेस दैन शुड नॉट भी लेस दैन फिफ्टी बट नाउ दे आर रिक्वायरिंग अराउंड फिफ्टी नाइन ओवरऑल और सम हाउ ईच में बी इसी के आस पास विच इज बेसिकली राइट सो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो स्टूडेंट पीटी के अंदर अपीयर हो रहे हैं ना वो ये इस चीज़ पर बड़े ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं कि हमें सेंटर ऐसा सिलेक्ट करना है कि जहाँ पे हमें बार बार ना जाना पड़े मतलब एक बार ही टेस्ट दें और चले जाएँ और सेंटर के एंड से कोई प्रॉब्लम ना हो अच्छा ये चीज़ ना मैं पहले भी मैंशन कर चुका हूँ कि सेंटर के एंड से प्रॉब्लम जो है बहुत कम आती है क्यों क्योंकि देखो सेंटर एक अप्रूवड ही तब होता है पी जो है उनका एक बेसिकली पहले इसको इस तरह से समझो कि पी के जो सेंटर हैं ना व दो तरह के सेंटर्स होते हैं एक होते हैं जो पी टी रे रेगुलर देते हैं और एक वो होते हैं जो पी टी यूकेवीआई भी ऑफर कर रहे होते हैं जो यूकेवीआई वाला सेंटर होता है ना उसको बहुत ज़्यादातर ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलसली वो ग्रिल करते हैं और उसके बाद वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वो उनको इस चीज़ का दर्जा देते हैं कि आप जो है वो यू का सेंटर बन जाओ ऑन दी अदर हैंड फॉर द रेगुलर एकेडमिक ऐसा नहीं है कि उनका क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल होता है बट नॉट एज रेगुरस एज फॉर द यू के वी आई अथॉरिटीज़ पर फिर भी उनको भी अच्छी तरह से जो है वो रेगुलसली देखा जाता है और उसके बाद उनको टेस्ट सेंटर का जो है वो कह लो कि टाइटल मिलता है अब जब एक टेस्ट सेंटर की एक सेंटर जो है वो सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं तभी वो सेंटर बन रहा है तो पहले तो ये चीज़ से निकाल दिया करो कि इनमें से पता नहीं कौन सा बहुत अच्छा है कौन सा बहुत बुरा है फिर भी उसके बावजूद अगर आपके जेहन में ये कहीं पे है और अगर आपको आपको पता नहीं चलता कि यार ये टेस्ट सेंटर मुझे सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उसी के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने फैसलाबाद सेंटर के अंदर टेस्ट दिया है उनके नाइन्टी आउट ऑफ नाइन्टी भी आए हैं स्पीकिंग के अंदर अब नाइन्टी आउट ऑफ नाइन्टी स्पीकिंग के अंदर आने का मतलब ये है कि देर इज नॉट एनी देर इज एनी एनी काइंड प्रॉब्लम विद देयर हेडसेट और विद देयर इक्विपमेंट राइट उनका हेडसेट और उनका जो माइक पीस है और सारा कुछ है वो प्रॉपरली काम कर रहा है इसका यह

सो एज़ फॉर माई पर्सनल रिव्यू आई थिंक इट्स इट्स अ गुड सेंटर इफ़ यू बिलोंग टू फैसलाबाद इट्स ईजी कन्वीनियंट आप उधर जाकर दे सकते हो शहर के अंदर ही आपको दूसरे शहर जा कर uh, टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है तो एक तो वो कन्वीनियंट है ठीक है दूसरा ये है कि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो आपको ये परेशानी होने की जरूरत कि मैंने अगर टेस्ट बुक करवाया तो कहीं ऐसा ना उन न्यायानयांर -न्या बनाया तो मुझे वहाँ पर uh, कुछ इस तरह की सहूलत ना मिले बल्कि न्याया -न्या सेंटर बना है अभी उनके पास सारा कुछ जो है वो फ्रेश है न्यू है सो लाइक दे आर बिट मोर कॉन्शियस अबाउट इट एज वेल सो इट्स 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 अ गुड गुड वेरी गुड सेंटर ओवरऑल सो आई थिंक यू शुड नॉट बी एक्सेप्टिबल एंड यू शुड बुक योर टेस्ट इफ़ यू रिली वॉन्ट टू एक चीज़ इसका ख्याल रखना है और uh, मैं बस उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा कि जो कैसराबाद का सेंटर है अभी वो रेगुलर एकेडेमिक ऑफ़र कर रहा है वो यू के वी आई ऑफर नहीं कर रहा पी टी एकेडेमिक रेगुलर और पी टी एकेडेमिक यू के वी आई टेस्ट बिल्कुल सेम है मेथड प्रिपरेशन का भी सेम है क्वेश्चन टाइप्स भी सेम है डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम है एक छोटा सा जुनुवान से जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये आता है कि जो यू के वी आई टेस्ट है वो ज़्यादा सर्वेलेंसड वाला टेस्ट है यानी उसके अंदर आपको स्ट्रिक्टली सर्वेलेंस प्रोवाइड की जा रही होती है आप कैमराज लगे होते हैं और आपको वो देख रहे होते हैं और सारा कुछ तो जो यू के की गवर्नमेंट है ना वो इसको प्रेफर करती हैं जो हमारी वीज़ा इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो इसको प्रेफर करती हैं कि इसने यू के वी आई टेस्ट किया हो लेकिन वो भी बैचलर्स के केस के अंदर मैंडेट्री होता है मास्टर्स के केस के अंदर इट डजेंट रियली मैटर सो इफ यू आर गोइंग फॉर योर बैचलर्स इन द यूके इट इज़ मैंडेट्री दैट यू शुड अप्लाई फॉर पी टी एकेडेमिक यू के वी आई बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर डेट सेव योर मास्टर्स आइर इन यू के और इन एनी अदर कंट्री इट्स नॉट नेसेससरी और अगर आप ऑस्ट्रेलिया कैनेडा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप रेगुलर पी टी एडामिक दे सकते हो सो फॉर दो स्टूडेंट हुट्रिक्टली वॉन्ट टू गिव पी टी यू के वी आई दे के नॉट बुक दिल टेस्ट इन द फैसलाबाद सेंटर दे हैव टू गो टू लाहौर इन दी एफ सी कॉलेज या फिर इस्लामाबाद का जो यू एस सी एफ पी का सेंटर है जो कि <laughs> but if you are just going for the regular academic, there is no reason you should skip Faisalabad Center. Go for it. Uh, it has, I mean, a good review so far. Students are happy. They are getting the results of their desired bands and all that. So you should not be concerned about it. Uh, so this is what I wanted to tell you in this video. And I just wanted to make sure that if you are considering booking your test and you are, belong to Faisalabad, then you should know uh, what's my stance on this. So go for it and there isn't anything that you should be worried about i wish you good luck for the test if you want to know anything about pd IELTS, language cert oxford or any other language test that you are preparing for you can reach out to any group of companies we are providing in-person and online classes all same time and uh, you can enroll in our badges prepare for that and we will ensure the good score because we have all the solid solid digital platforms for the preparation and we provide one-on-one -on -one. One-on-one -on -one, uh, feedback as well, and the the way we prepare our students is is really in detail and in depth. So you can reach out to us if you want to know anything about all of these tests. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. I love this.